पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में गणेश महोत्सव की तैयारियां देखी जा सकती हैं। मुरादाबाद के चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के कला विभाग के प्रभारी डॉक्टर नवनीत गोस्वामी के नेतृत्व में एक विशाल रंगोली बनाई गई, जिसमें भगवान गणेश के चित्र को दर्शाने का प्रयास किया गया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रशासन का ये कहना है कि उद्देश्य यही है कि कला के माध्यम से सभी को संदेश दिया जाए। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में गणेश महोत्सव की रौनक देखी जा सकती है। हर जगह इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित चित्रगुप्त इंटर कॉलेज में कला विभाग के प्रभारी डॉक्टर नवनीत गोस्वामी और उनके सभी शिष्यों ने एक भव्य रंगोली बनाने के साथ साथ इस गणेश महोत्सव को मनाने के लिए संदेश देने का काम किया। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के छात्रों द्वारा गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर एक भव्य रंगोली का विद्यालय के प्रांगण में भव्य चित्रण किया गया, जिसमें गणेश जी का एक भव्य स्वरूप गुलाल, पुष्प एवं पत्तियों के माध्यम से अंकित किया गया। सिटी चैनल से बात करते हुए विद्यार्थियों ने बताया, सर ये गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हमने ये काफी बड़ा वर्क किया है, उसमें विशेष सहयोग हमारे कला अध्यापक डॉक्टर नवनीत गोस्वामी जी का रहा है। ओम हमारे कक्षा जो हमारे क्लास टीचर हैं उनका ही प्रदीप कुमार सिंह जी का विशेष सहयोग रहा है। ये जी ये हमने कल से काम मतलब शुरू किया था और ये आज अंत हुआ इस काम का। ये हमने सारी नेचुरल चीज़ों से बनाया है, जैसे गेंदा पत्ते गुलाल का इस्तेमाल किया है। ये मिनिमम 48 फीट का बनाया है हमने, ये 12 ब्लॉक में बनाया है हमने और इसे हमने विशाल रूप दिया है। मानते हैं कि इसको आने वाले समय में रोजगार का जरिया भी बना सकते हैं? जी सर बिल्कुल। कला प्रभारी डॉक्टर नवनीत गोस्वामी ने बताया कि प्राकृतिक चित्रण की विधा का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निर्माण अपने आप में अनूठा है। सिटी चैनल से बात करते हुए डॉक्टर नवनीत गोस्वामी ने कहा, ये आप देख रहे होंगे कि गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पे हमने हमारे नई टीम ने चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, ये इन्होंने एक गणेश की प्रतिमा तैयार की है जमीन पे, जिसका साइज करीब 45 फीट है और इसमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, नेचुरल आपके जो पत्ते फूल इनसे इसको तैयार किया गया है। क्या मैसेज देने का प्रयास करते हैं आप सब? इसमें यहाँ से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और सब लोग अपना इसको बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि हर चीज़ में गणेश को प्रथम पूजा जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी अब इस त्यौहार पर भी मैसेज देने का काम करते हैं? हर ओकेजन पे हम लोग कुछ ना कुछ नया देने का कोशिश करते हैं और अब जैसे ये 5 सितंबर आ रहा है उस पर भी एक दिमाग में कॉन्सेप्ट है, उसको बड़ा हम रूप देंगे जल्दी। कितने लोगों को टीम लगी इसको बनाने के लिए? इसको हमारे 15 बच्चे हैं और बाकी हमारे स्टाफ का सहयोग रहा है और 15 बच्चों की नई टीम तैयार हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मार्गदर्शन में कैप्टन शिव कुमार, राजीव पाठक, पंकज शर्मा तथा चित्रण करने वाले छात्रों में शब्द गुप्ता, विकास, सिद्धार्थ, मनदीप, अर्पित, अयान, अमन शर्मा, अनंत वशिष्ठ आदि छात्रों का विशेष योगदान रहा। देखिए भगवान गणेश का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से कल से प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके पूर्व दिवस पर आज हमारे विद्यालय के कला विभाग के जो प्रभारी हैं डॉक्टर नवनीत गोस्वामी जी, उनके शिष्यों ने, उनकी पूरी टीम ने आज भगवान गणेश का ये जो प्रतिकृति यहाँ बनाई है, इससे संदेश यही है कि भगवान गणेश हमारे देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, हम मन से उनका पूजन करें, उनका आराधन करें, उनका वंदन करें और भगवान गणेश देश भर के सभी लोगों के कष्टों का हरण करें, क्योंकि वो गणपति कहे जाते हैं, वो विघ्नहर्ता कहे जाते हैं, कष्टहरण कहे जाते हैं। इस आधार पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान गणेश सभी के कष्टों का हरण करें और इन विद्यार्थियों को बुद्धि विद्या और ज्ञान का अनुपम आशीर्वाद मिले, जिससे इनकी कला में और निखार आता जाए और ये अपने विद्यालय और परिवार का नाम रोशन करें।